हाय एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूं राहुल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जर ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ हो दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे टेंथ स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट वन होता है दोस्तों जिसका नाम है एल जबरा यह सब्जेक्ट का पर्टिकुलर जो चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम है चैप्टर नंबर फाइव प्रोबेबिलिटी आज हम इस चैप्टर का आपके लिए लेक्चर नंबर थ्री लेकर आ गए हैं जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों इसके पहले जो हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर टू हमने पढ़ा था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको

आज के दिन पढ़ने वाले हमारे एक प्रैक्टिस सेट को जिसका नाम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट नंबर फाइव पॉइंट टू तो बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग को सिर्फ दो ही चीज लिखना है

फेंकता हूं तो कैसे आएगा आपका सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे आएगा वो हम लोग को लिखना है तो सैंपल स्पेस कैसे आएगा एस विल बी इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग हमेशा एस लिखते हैं सैंपल स्पेस के लिए एस लिखते हैं करली ब्रैकेट ओपन करते हैं तो किस तरह लिखते हैं अभी एक कॉइन और एक डाइस अगर उड़ाऊंगा तो समझ लो मैंने एक हाथ से एक कॉइन उड़ाया ठीक है ना समझ लो मेरे पास क्या है एक तरीके से एक हाथ में मेरा कॉइन है एक हाथ में मेरा डॉइस है एक एक साथ में, में कॉइन उड़ाऊंगा और मेरा एक डाइस एक हाथ से मैं ये करूंगा तो चांसेस जो होगा कॉइन का आने का या तो हेड आ गया या तो टेल आएगा तो समझ लो मैंने उड़ाया तो हेड आया और मैंने पासा जो था मेरा डाइस जो था उसको फेंका तो समझ लो वन नंबर आया यानी कि वन आया हेड आया अब टू और हेड भी आ सकता है करेक्ट है तो वन हेड टू हेड फिर उसके बाद टू हेड टू टेल थ्री हेड थ्री टेल इस तरह से ही आएगा तो बहुत सिंपल है लिखना है इसको क्या करते हैं सबसे पहले आपका या तो नंबर वन आएगा और साथ में हेड आ जाएगा या तो आपका नंबर टू आएगा सॉरी एक ही साथ लिख देते हैं ना हम लोग वन हेड आएगा या फिर वन टेल आ सकता है फिर टू हेड आ सकता है या फिर टू टेल आ सकता है थ्री हेड आ, आ सकता है या फिर थ्री टेल आ सकता है ठीक है उसके बाद आपका फोर हेड आ सकता है फोर टेल भी आ सकता है उसके तो बाद क्या आता है फाइव तो फाइव हेड आ सकता है फाइव टेल भी आ सकता है एंड लास्ट में सिक्स हेड और सिक्स टेल भी आ सकता है तो टोटल कितना हो गया काउंट कर लो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के लिए हम लोग एन ऑफ एस लिखते हैं ठीक है ना एन एस तो एन एस कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस खत्म कितना सिंपल है दोस्तों बहुत इजी एग्जांपल है इसी एग्जांपल कुछ हो नहीं सकता जैसे कि आपको बता दो अगर आप टेंथ स्टैंडर्ड में हो ये वीडियो देख रहे हो ध्यान से तो हमेशा याद रखना जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी ये सबसे जिएट चैप्टर माना जाता है पूरे एल्जबरा में एंड सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के ऊपर पूछते हैं और जो कि बहुत सिंपल होता है स्कोर करना तो so, जो भी बच्चे जस्ट पास होने के लिए जाते हैं तो वो ये ये चैप्टर जरूर से करके जाते हैं और जो लोग को अच्छा स्कोर करना है वो चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाते हैं क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं तो उम्मीद करता हूं कि हमारा पहला एक्जाम्पल जो था बहुत ईजिली हमने सैम्पल स्पेस लिख दिया और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी हमने लिख लिया अब चलते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल की तरफ क्या पूछा है हमें देखते हैं ध्यान से देखिएगा हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर क्लियर में बताने वाला हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर टू तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू आपको दिया हुआ है कि अगर दो डिजिट है जिसको हमें फॉर्म करना है डिजिट्स का यूज़ करके जो कि डिजिट्स है आपका टू थ्री एंड फाइव और इसको आपको रिपीट नहीं करना यानी कि आपको डिजिट्स दिया दिया हुआ है टू थ्री एंड फाइव ये डिजिट्स का यूज करके ना आपको टू डिजिट्स नंबर को फॉर्म करना है टू डिजिट्स नंबर को फॉर्म करना है कैसे करोगे चलो सॉल्व करते हैं सैंपल स्पेस कैसे आ जाएगा दो दो, दो डिजिट के नंबर कैसे बन सकते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो डिजिट के नंबर जो बनेंगे आपके वो बनेंगे आपके सबसे पहले टू थ्री मिला के ट्वेंटी थ्री बन सकता है टू फाइव मिला के ट्वेंटी फाइव बन सकता है करेक्ट है फिर थ्री टू मिला के थर्टी टू बन, बन सकता है फिर आपका फाइव टू मिला के फिफ्टी टू बन सकता है और फाइव थ्री मिला के फिफ्टी थ्री बन सकता है इसके अलावा कुछ भी आप बनाने की कोशिश करो उसमें क्या होगा वर्ड जो होंगे जो होंगे रिपीट हो जाएंगे मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं बना सकते ब्रैकेट क्लोज कर दो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखने के लिए आपको बस काउंट करना पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिख दो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सिक्स खत्म हो गया कितना ईजी एग्जाम्पल है तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और इससे इजी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछेगा भी नहीं इतना सिंपल एग्जाम्पल है क्लियर है दोस्तों तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छे से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है और उतना ही आसानी से आप लोग ने इसको समझ भी लिया होगा अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल मैं कराना चाहता हूं एंड बाकी के एग्जाम्पल्स में सोच रहा हूं आप लोग को होमवर्क दे दू क्योंकि बहुत सिंपल है और थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी मजा आएगा ठीक है तो एक लास्ट एग्जाम्पल और एक ले लेता हूं बाकी के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है ना प्रैक्टिस सेट के वो आप लोग जरूर से होमवर्क में कर लेना ठीक है तो चलो इसको फटाफट से देख लेते हैं ओके क्या बोला है हमारा अगला एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर थ्री की बात कर लेते हैं ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला है तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके अगर आप देखोगे सिलेबस के अंदर तो एक क्वेश्चन है इस प्रकार समझ लो एक समझ लो हमारा जो वो होता है ना हम लोग डांट फेंकते हैं वो चक्री होता है गोल गोल घूमता रहता है समझ लो ये हमारा डाट है ठीक है ना और इसके अंदर टोटल छः कलर्स दिए हुए हैं ठीक है ना छे कलर्स ठीक है समझ लो एक इस तरह से दिया हुआ है एक इस तरह से छह कलर छह हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ठीक है छह कलर कौन कौन से सबसे पहले ये रेड है आपका ये ऑरेंज है रेड ऑरेंज ये येलो है ठीक है ब्लू ग्रीन पर्पल ये ब्लू ग्रीन और ये पर्पल ठीक है ना अब यहां पे जो डाट होगा जो डाट में फेंकूंगा समझ लो एक डाट अगर फेंकता हो या फिर इसके अंदर नीडल भी होगा अगर लेट सपोज तो वो कितने नंबर पे रुकेगा उसके हिसाब से हमें सैंपल स्पेस निकालना है तो सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा इसका समझ लो मेरे पास एक डाट है मेरे पास ये समझ लो मार्कर एक डाट है तो मैं इसके ऊपर फेंकता हूं तो कितने चांसेस है किसके ऊपर आने के चांसेस है ये छे के छे कलर के ऊपर आने के चांसेस है कभी आर पे भी आ सकता है कभी ओ पे भी आ सकता है कभी वाई पे भी आ सकता है बी जी पी पर्पल सब पे आ सकता है तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा क्लियर लिख दो आप रेड हो गया सैंपल स्पेस मतलब रेड पे भी आ सकता है ऑरेंज पे भी आ सकता है मेरा येलो पे भी आ सकता है क्लियर एंड बहुत सिंपल है ये खाली दिमाग का खेल है बस आपको जो भी चीज़ दिया रहेगा आप देख के लिखते जाओ ग्रीन पे भी आ सकता है एंड लास्ट में आपके पर्पल पे भी आ सकता है बन गया आपका सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज सिक्स खत्म कितना सिंपल एग्जाम्पल था तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा अब जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है एक कैलेंडर वाला एग्जाम्पल है और एक बहुत ही बॉयज एंड गर्ल्स वाला सिंपल सा एग्जाम्पल है तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ जो रिमेनिंग एग्जाम्पल इसके बाद बच जाते हैं इस पर इस प्रैक्टिस सेट के अंदर तो ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जरूर से आप लोग होमवर्क करोगे और करते रहना चाहिए प्रैक्टिस जितना करोगे ना आप टेंथ स्टैंडर्ड में हो बाकी तो आप बाकी स्टूडेंट इतना चिंता नहीं करते जितना आपको करना चाहिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले ठीक है ना अप्रैल मे के आसपास आपके बोर्ड एग्जाम क्लियरली होके रहेंगे तो आपको यह चीज ध्यान में रखना है क्योंकि आपके बोर्ड होंगे यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है तो हम है आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए तो जो भी हम एग्जाम्पल्स कराते हैं वो तो प्रैक्टिस करो लेकिन जो होमवर्क में मिलता है जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स बच जाते हैं वो आप लोग को जरूर से प्रैक्टिस करना है ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही जल्द हाजिर होंगे आपके सामने एक और लेक्चर लेकर लेक्चर नंबर फोर में आपके लिए और आगे का पार्ट और भी हार्ड का जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट रहेगा उसको कवर कराएंगे तो आज के लिए इतना ही कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया यूजफुल लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय